तो अभी ऐसा कुछ बोला है कि हाँ भाई मुआवजा मिल जाएगा या फिर? देखिए, अभी मुआवजा ट्विटर पे मिल रहा है, फेसबुक पे मिल रहा है, पर असल में जिन लोगों तक मिलना चाहिए, जिन लोगों को मिलना चाहिए, जिन हाथों तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए, वहां तक नहीं जा रही हैं। दूसरी चीज़, जो मुआवजे की रकम अभी तय की गई है 10 लाख रुपये, वो बहुत ही कम है, एक इंसान की ज़िंदगी को तोल दिया गया। छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, है ना? कौन है छोटा और बड़ा चोर? केजरीवाल छोटा चोर है और मोदी बड़ा चोर है। उनके लिए सुरक्षा इंतजाम कुछ है नहीं, ठीक है? और जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे, 12-12, 13-13 घंटे, हम कई बार गए, वजीरपुर गए, बवाना के इंडस्ट्रियल एरिया में गए हैं, ये छुट्टी वाले दिन भी उनसे काम कराया जाता है, एक बात तो ये, 12-12, 14-14 घंटे भी काम कराया जाता है, क्योंकि फिर उन्हें नौकरी निकालने की धमकियाँ भी दी जाती है अगर काम नहीं करेंगे तो। लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर अभी 2 दिन पहले DNA सैंपल लिया गया उन लोगों का, और उनसे क्या कहा गया, कुछ लोगों के तो उनको दे दिए गए वापस उनके जो मृतक शरीर हैं, बाकी लोगों को कहा गया आपके DNA सैंपल का रिजल्ट 1 महीने बाद आया। क्या 50 के करीब आ सकती है, ठीक है, लेकिन वहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ 27 लोगों ने काम किए, जिसमें कि उनके पैर टूटे, हाथ टूटे और घायल हुए बहुत ज़्यादा, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। तो ये एक तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब मजदूरों को एकदम ऐसा समझा जाता है कि वो कीड़े मकोड़े हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पे, जहाँ CM का ऑफिस है और जहाँ केजरीवाल जी बैठते हैं। मगर यहाँ पर आज जो यहाँ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं पीड़ित परिवार, जो कि मुंडका में आग लगी थी एक फैक्ट्री में, और जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं वो महिलाओं की हुई हैं। जो जितने भी मजदूर लोग थे वहाँ काम करने वाले, वो जो लोग थे उनकी हत्याएं हुई, उस हत्याओं पर भी जो है आंकड़े के जो आंकड़ा है वो सत्ता द्वारा छुपाया जा रहा है और उस पर राजनीति की जा रही है। अब लगातार जो श्रम कानून है उसके तहत इन मजदूरों को उनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो रही है, और उसी के चलते यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हीं से भी हम चलते चलते बात करेंगे। सबसे पहले अभी हम बात कर लेते हैं इनसे। क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, क्यों यहाँ पर अभी आप खड़े हैं सचिवालय पे, ऐसी क्या दिक्कत आ गई? इसीलिए खड़े हैं क्योंकि अभी जो मुंडका में जो एक औद्योगिक क्षेत्र में, जहाँ पे एक फैक्ट्री में, कारखाने में आग लगी थी, और जिसमें कि सरकार कह रही कि 27 मजदूर मारे गए हैं, लेकिन वहाँ से हमारी एक टीम गई थी वहाँ पे, और बातचीत वहाँ पे करने के बाद पता चला कि वहाँ पे ये संख्या 50 के करीब आ सकती है, ठीक है, लेकिन वहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ 27 लोग मारे गए हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की, मतलब जो घटना हुई है ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की तमाम और घटनाएं पीरागढ़ी से लेके, वजीरपुर से लेके, या फिर आप झिलमिल चले जाइए, या फिर और भी तमाम जो औद्योगिक क्षेत्र हैं दिल्ली के, तमाम जगहों पर इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं, आए दिन होती रहती हैं घटनाएँ, लेकिन उन पे सुरक्षा के इंतज़ाम ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। किस तरह की सुरक्षा के इंतज़ाम? सुरक्षा के एग्जिट डोर एक तो होने चाहिए, पहली बात कि मतलब अगर मान लीजिए कोई बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे निकलने के लिए कम से कम अगर कोई इस तरह का कोई हादसा होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एग्जिट डोर्स होने चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे सिलेंडर वगैरह की जो बात होती है वो भी होने चाहिए कि तुरंत उसको बुझाया जा सके, लेकिन कई जगह पे हमने देखा है जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पे पता चलता है कि सिलेंडर जो थे वो खाली थे, ठीक है, और एग्जिट डोर वगैरह भी नहीं थे, सिलेंडर खाली मिले हैं, खाली भी मिले हैं कई जगह ऐसे, हम लोग क्योंकि देखे ही हैं कई जगह जो घटनाएं होती रही हैं, कई जगह जाते रहे हम लोग, तो खाली वहाँ पे रहते सिलेंडर। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे एग्जिट डोर होता ही नहीं है, ठीक है, अगर एक छोटा मोटा एग्जिट डोर होता है तो बड़े मुश्किल से कुछ मजदूर वहाँ से निकल पाते हैं। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे जो घटना हुई है, यहाँ पे शीशों को तोड़ के शायद वहाँ पे इत्तेफाक से कुछ बुलडोजर वहाँ पहुँच गए थे जो कि शीशों को तोड़ा है, वहाँ से कुछ मजदूर कूदे हैं और कुछ कूद के ऐसे भी भागने का काम किए जिसमें कि उनके पैर टूटे, हाथ टूटे और घायल हुए बहुत ज़्यादा, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। तो ये एक तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब मजदूरों को एकदम ऐसा समझा जाता है कि वो कीड़े मकोड़े हैं, वो मर जाएँ, वो कुछ भी हो जाए उनके साथ, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मालिकों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उन्हीं की जो सेवा करने वाली सरकारें हैं, इन्हीं मालिकों की सेवा करने वाली सरकारें हैं, जो चाहे केजरीवाल सरकार हो, ठीक है, या फिर MCD में BJP है, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग नरभक्षी हैं, ये लोग मतलब नरपिशाच हैं एक तरीके से, जो कि लोगों को कत्लेआम कर रहे हैं, ठीक है, ये हादसा नहीं है, ये हत्याएं, हम आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कत्लेआम, बिल्कुल कत्लेआम हो रहा है ये, कि मतलब आए दिन घटनाएं हो रही हैं लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर रहे हैं। सरकार किसके लिए होती है? सरकार जो श्रम विभाग है वो कम से कम वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ठीक है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती।
ये तो बड़ी घटना हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, पेट में कुछ ब्लेड घुस जाता है, इस तरह घटनाएं होती रहती हैं। कई सारी घटनाएं मीडिया में आती भी नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी घटनाएं इस तरह से होती रहती हैं। तो क्या कहा जाएगा बताइए, जैसे मान लीजिए मजदूर मारा जा रहा है, ठीक है, इनको एक छोटा सा मुआवजा दे के, ठीक है, थोड़ा बहुत मुआवजा मिल गया है जितने भी पीड़ित पर, तो अनाउंसमेंट हुआ है इस तरह का मुआवजा का अनाउंसमेंट चल रहा है, और उसमें कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये कोई श्योरिटी नहीं, कोई लिखित में कुछ तो दिया नहीं उन्होंने, लिखित में कुछ नहीं दिया, दिया है। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं, हम लोग इसीलिए आए हुए हैं कि पहली बात तो तमाम जो दिल्ली भर बल्कि हम लोग का देश भर में जितनी भी फैक्ट्री हैं उसमें तमाम जो श्रम कानून हैं जिसके तहत जो श्रम कानून बने हुए हैं अभी तो उसको तोड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है, श्रम संहिताओं में बांटने का, चार श्रम संहिताओं में बांटने का काम कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। हम कह रहे हैं कि उस तरह से तोड़ने का काम कर अभी तमाम जो श्रम कानून थे उसे तोड़ के चार श्रम संहिताओं में बांटने का काम किया जिसमें कि आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हड़ताल करने के लिए मालिक से आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है, और क्या कहते हैं काम के घंटों को 12 करने का काम करने जा रही है मोदी सरकार, ठीक है, तो ये मजदूर विरोधी तमाम चीज़ें लेके आने का काम कर रही है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि पहले से जो 8 घंटे का काम है शोषण और ज़्यादा बढ़ गया, जैसे ही मशीनरी मतलब उन्नत मशीनरी आती है तो मजदूरों का शोषण और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसके तहत हम लोग कह रहे हैं कि काम घंटे 6 किए जाएँ लेकिन मोदी सरकार 12 करने जा रही है, ठीक है, और ऊपर से आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हड़ताल करेंगे आप मालिक से पूछ के हड़ताल कीजिए, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो ये पूरा मजदूर विरोधी है, ठीक है। और हम लोग कह रहे हैं कि जो पहले से अच्छा, ये जो पीड़ित परिवार थे उनसे मिलने के लिए जो कंपनी का मालिक था वो आया है सामने, बात की है पीड़ित परिवार, देखिए अभी हमारी टीम वहाँ पे गई थी, मुझे तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि वहाँ पे आए थे नहीं आए थे, ठीक है, लेकिन पहुँचे थे वहाँ, हमारी टीम कुछ गई थी, हमारी टीम के लोग गए थे, साथी क्या नाम है केशव हैं, ठीक है, भारत हैं, और भी लोग वहाँ पे जाके मतलब छानबीन करके आए हैं, वहाँ पे पता करके आए हैं, तो ये बेहतर और बता पाएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन आमतौर पर यही होता है कि मालिक तो भाग जाता है और अगर मुश्किल से अगर पकड़ में भी आता है तो जाहिर सी बात है पैसा खिला के वो भी निकल जाता है, साइड हो जाता है, इस तरह की चीज़ें होती रही अक्सर। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम केशव है। केशव जी, तो जिस तरीके से वहाँ पीड़ित परिवार ने अपने परिवार जन को खोया है तो उनसे मिलने के लिए उस कंपनी का मालिक सामने आया या कोई नेता लोग? बिल्कुल नहीं, कोई नेता सामने नहीं आया, कोई कंपनी का मालिक सामने नहीं आया, मालिक ने किसी भी तरीके का ऐलान भी नहीं किया उनके लिए मुआवजे का? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि जैसे मालिक पे छोटी मोटी कार्रवाई की सरकार ने, लेकिन इसका इतिहास ये बताता है कि अभी उद्योग नगर में जैसे एक कारखाने में आग लगी थी, हम लोग वहाँ पहुँचे तो लोगों ने बताया कि उस जिस कारखाने में पहले भी दो बार आग लग चुकी है और थोड़े दिन के लिए कंपनियाँ बंद होती है फिर से चालू हो जाती हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है, ये भी कंपनी है जली है, मालिक अभी पकड़ाया है, कुछ दिन बाद मामला ठंडा होगा फिर ये पैसे दे के छूट जाएगा, ये चीज़ तो चलती रहती है। दूसरा, जो मजदूर के पीड़ित परिवार हैं, हम लोग अस्पताल गए थे, संजय गांधी का जो अस्पताल है वहाँ पे जिन मृतकों को लेके परिजनों को लेके गए, मतलब जिन जो शरीर थे उनके वहीं पे लेके गए थे, हम लोग वहाँ गए, मजदूरों ने बताया कि तीन तीन चार चार दिन से वो लोग डेली आ रहे हैं, उनका ना डीएनए सैंपल लिया गया उनके परिजनों का कि ये पता लग सके तो इनके परिवार है नहीं है, जब मजदूरों ने बहुत शोर मचाया तब जाके उनको डीएनए सैंपल देने की बात की गई, और जब डीएनए सैंपल देने के बाद ये क्यों नहीं कर रहे थे डीएनए सैंपल, क्यों कि पहले जाओ पुलिस को बुला के लाओ, जिस इलाके में हुआ है उसकी पुलिस को बुला के लाओ, उस पुलिस को फोन करें तो ये कह रहे हैं कि वो अस्पताल जिस इलाके में आता है उस पुलिस को बुलाओ, मतलब इलाका तो और पुलिस यही चल रहा है, इतना मतलब घटना बहुत घुमा रहे थे। फिर फाइनली जब सारे मजदूर इकट्ठा हुए और सबने बार बार फ़ोन किया, MLA MP सबको फ़ोन किया, कोई उनसे मिलने तक नहीं आया, लेकिन तीन चार दिन के बाद फिर अभी दो दिन पहले डीएनए सैंपल लिया गया उन लोगों का, और उनसे क्या कहा गया, कुछ लोगों के तो उनको दे दिए गए वापस उनके जो मृतक शरीर हैं, बाकी लोगों को कहा गया आपके डीएनए सैंपल का रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा। अब ये भी अपने आप में एक सवाल उठता है कि इसे इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी न्यूज़ बनने के बावजूद उनके परिजनों को उनके डीएनए टेस्ट तक नहीं हो पा रहे हैं, उनके बॉडी के सैंपल नहीं जा रहे हैं, ये क्या है, मतलब ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। सरकार पे लगातार आरोप लग रहा है कि जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं, मौतों के जो आंकड़े हैं ये तो होता ही है, ये कहाँ नहीं होता है, दिल्ली में जो तमाम फैक्ट्री में आग लगती है सब कुछ होता है, आंकड़ों की राजनीति हो रही है। बिल्कुल, अभी आप उद्योग नगर, इसके पहले बवाना और वजीरपुर में जब जहाँ आग लगी, हमें लोगों वहाँ के लोकल लोगों से ये पता चला बोरों में भड़ भड़ के जो उनके जो जले हुए टुकड़े थे वो भर के वो लेके गए, जो जिंदा शरीर जो जिनके कंकाल रह गए उनको बस काउंट किया गया, बाकी जिनके कुछ हाथ कट जले हुए मिले उनको बोरों में भर के फेंक दिया गया।
जो मृतक परिवार जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, जो उनके परिवारजन वहाँ नौकरी करते थे, रोजगार करते थे, तो क्या उनको भी रोजगार मिला है, ऐसा कुछ हुआ है? इतिहास तो ये नहीं बताता, जो जिनके उनको तो मुआवजा भी नहीं मिलता, जो सरकार अनाउंस करती है कि हम मुआवजा देंगे, यहाँ तक ये मुआवजा भी नहीं मिलता, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारे साथ एक मृतक के परिजन, उनकी बहन आई थी, उन्होंने बताया कि उनके घर में कमाने वाला बस उनका भाई था, एक छोटा भाई है जो पढ़ाई करता है, अब उनको नहीं पता उनका खर्चा कैसे चलेगा, ये हालत है। अब इसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा उस बच्चे की जो पढ़ाई कर रहा है? मजदूर लोग तो दिख नहीं रहे, आप लोग दिख रहे हैं। अलग अलग मजदूर अलग अलग इलाके से आए हैं, मजदूर ये डर भी रहे थे। मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, और मुझे लगता है स्टूडेंट को भी इन चीज़ों के लिए आज जो पूरा कुछ हो रहा है, राजनीति करने आ गए। देखिए, राजनीति तो करना चाहिए, और मुझे नहीं लगता राजनीति करने में कोई दिक्कत है। भगत सिंह ने कहा था कि जिन छात्रों को, जो लोग कहते हैं कि राजनीति से दूर रहना चाहिए, उनको छात्रों को उनकी परछाई तक से दूर रहनी चाहिए, तो हम भगत सिंह की विरासत को मानते हैं। ये जो लोग भाजपा और संघ में रह के कहते हैं छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, असल में ये अपने प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए, लोगों को हिंदू मुसलमान मानने बांटने के लिए, जिसका एक काम आम आदमी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, वो ये बात कहते हैं, काम कर रहे हैं आम आदमी। बिल्कुल, जैसे ये CNRC के टाइम में क्या किया था केजरीवाल ने। खैर, ये मुद्दे से भटकने वाली बात हो जाएगी, लेकिन एक तौर पे हम कह जा सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो ये भी कर रहा है। CNRC के टाइम में ये कहता है कि मौका चाहिए आप लोगों को सरकार को घेरने का। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं घेरे हैं हम सरकार को, हमने चुना है, सरकार हमारे प्रति जिम्मेदार है, तो क्यों नहीं हम घेरे सरकार को? आप बताइए, हम किसके पास जाएं? जब कारखानों में आग लगती है, जब बच्चों के पास शिक्षा नहीं होती, जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, आप बताइए हम किसके पास जाएं? क्या सब मांगे हैं? हम सीधा अभी इस मुंडका वाली घटना में हम सीधा ये मांग कर रहे हैं कि जो परिजन है उनको कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, ये जो सरकार है, श्रम मंत्री जो मनीष सिसोदिया अभी है, जिसने ये बताया कि मैं बनके सब कुछ ठीक कर दूंगा, ये तत्काल इस्तीफा दे। और दूसरा, जो दिल्ली के तमाम फैक्ट्रियां हैं जहां आए दिन आग लगती रहती है, इनकी सख्ती से इनमें श्रम कानून लागू हो और हर फैक्ट्रियों की जाँच हो, तभी जाके घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला। मोदी ने ट्वीट कर दिया, ये केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको सही में मजदूरों का फिक्र है तो आप सारे दिल्ली के कारखानों की जांच करवाइए। चलिए, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से ये पोस्टर्स लगे हुए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करो, यानी कि वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तक नहीं थे। सामने ये देख सकते हैं, ये हादसा नहीं, हत्याएं हैं, सीधा सीधा हत्याएं ही जो है बोला जा रहा है। पीड़ित परिवार है, वो मुआवजे की मांग कर रहा है, प्लस साथ में अब वो ये भी कह रहे हैं कि हमें रोज़गार दिया जाए, और साथ में जो लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, ये बहुत ही दुख की बात है कि कितना बड़ा दुख जो है उनके ऊपर टूटा है। पहले ही यहाँ पर महंगाई जो है लोगों की कमर तोड़ रही है, साथ में इस तरीके का हादसा जो हो जाता है, तो उसके बाद तो जीने की जो छोटी मोटी जो इन बेचारों की जो रोजी रोटी चल रही होती है, तो उससे भी इनको दिक्कतें हो जाती है। तो अभी और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु है। दीपांशु जी, ये आप लेके खड़े सामने ये पोस्टर देख दिखाइए जरा, सारे श्रम कानून लागू करो। क्यों श्रम कानून लागू नहीं किया है सरकार ने? जब से कोरोना काल आया है, जब से कोरोना काल के बाद की स्थिति और गंभीर हो गई है। श्रम कानूनों को, जब से लेबर कोड लाके श्रम कानून पर हमला किया सरकार ने, तो इस मजदूरों की स्थिति और पहले दयनीय तो थी, अब और दयनीय हो चुकी है। और दयनीय हो गई, उनके लिए सुरक्षा इंतजाम कुछ है नहीं, ठीक है। और जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे, 12-12, 13-13 घंटे, हम कई बार गए, वजीरपुर गए, बवाना के इंडस्ट्रियल एरिया में गए हैं, ये छुट्टी वाले दिन भी उनसे काम कराया जाता है। एक बात तो ये, 12-12, 14-14 घंटे भी काम कराया जाता है, क्योंकि फिर उन्हें नौकरी निकालने की धमकियाँ भी दी जाती है अगर काम नहीं करेंगे तो, क्योंकि आर्थिक रूप से सब इतने प्रबल है नहीं, तो काम उन्हें करना पड़ता है, तो शोषण उनका हर स्तर पर हो रहा है, ठीक है। शिक्षा उनके बच्चों तक इतनी पहुँच है नहीं, जितना वे कमाते हैं उतना जो अपना रोजी रोटी में ही चला जाता है, यानी मजदूर जितना काम कर रहा है उतना बस उतना ही मिल रहा है उसे, जितने बस वो सरवाइव कर सके। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, आप ही लोग दिख रहे हैं, मजदूर लोग दिख नहीं रहा है, जिनके पीड़ित परिवार हैं जो वो तो दिख नहीं रहे, वो अंदर गए। हाँ जी, वो अभी जो है केजरीवाल से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, यहाँ पे क्यों सचिवालय को घेर रखा है आप लोगों ने? वो इसलिए घेर रखा, पहले तो ये जो घटना हुई है, इसके जितने भी मालिक है, और जो आगे पहले भी घटनाएं हो चुकी है, पहली घटना नहीं है,
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके की सख्त कार्रवाई? कार्रवाई इस्तीफा दो, जाहिर सी बात है जब आप उस मिनिस्ट्री को संभाल नहीं सकते, आप व्यवस्थाएं नहीं बना सकते, आप जो व्यवस्थाएं बनी भी हुई है उन्हें लागू नहीं कर सकते, तो इस्तीफा दो, जाहिर सी बात है। श्रम मंत्री तो कहते हैं कि लगातार जो है मजदूरों के लिए इस तरीके के श्रम कानून बनाए गए हैं जिसमें उन्हें राहत मिली हुई है, आप कह रहे हैं? देखो, कहना अलग बात है, लागू होना अलग बात है। भारत का संविधान को भी लागू हुए 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन समानता ग्राउंड लेवल पे कितनी है वो आप और हम जानते हैं, तो लागू करना दूसरी बात है, कहना और बनाना पहली बात है। मतलब लागू नहीं किया, सिर्फ बोला है, जबान चला दी? बिल्कुल बिल्कुल, जबान चलाई है। जबान तो उन्होंने ये भी चलाई है कि 10 लाख रुपए देंगे सबको, लेकिन कब तक देंगे? इस तरीके का कोई ऐलान किया है कि कब तक देंगे या फिर लिखित में दिया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, बस ऐलान किया। हाँ जी, ऐलान किया है, और ऐलान से कुछ नहीं होता। अभी देखिए किस तरीके से श्रम कानून पर भी जो है उंगलियां उठ रही है लगातार। अभी और भी महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, क्या करती हैं? मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। आंगनवाड़ी वर्कर हैं, यानी मजदूर मजदूर का दुख जानता है, इसीलिए यहाँ पे आई जी। तो क्या चाहती है अब सरकार से? सरकार से चाहती हूँ कि वो इस्तीफा दे मनीष सिसोदिया, और जो श्रम कानून है वो पूरे लागू हों। जिनके लोग हैं इसमें आगजनी में चले गए हैं उनको 50 लाख मुआवजा दे। तो अभी ऐलान कर तो दिया है, 10 लाख का किया है, और वो कितने लोगों को देंगे? जमीनी स्तर पे ये कोई काम नहीं होता है ना, ऐलान करने से कुछ नहीं होता है। श्रम कानून भी कितने लिखे हुए कि 10 लाख का ऐलान तो किया है, पर केंद्र सरकार की तरफ से जो है कुछ ऐलान किया गया या सामने आए उसके नेता लोग? नहीं, उसके नहीं आए केंद्र सरकार, बस केजरीवाल जी को घेरने बैठ गए। केजरीवाल को, क्योंकि अभी दिल्ली में केजरीवाल है ना, तो दोनों तरफ से कोई आया उन लोगों के? हाँ, एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, है ना? कौन है छोटा और बड़ा चोर? केजरीवाल छोटा चोर है और मोदी बड़ा चोर है ना, उन दोनों के ही खिलाफ है। तो मांगे क्या है आपकी इन पीड़ित परिवारों की? 50 लाख मुआवजा दिया जाए इन लोगों को। एक इंसान की कीमत कोई थोड़ी होती है, उनके परिवारों से पूछो, है ना, जिनके परिवार के लोग चले गए हैं, एक ही कमाने का था। जो लेडीज हमारे साथ आई है, है ना, उनके एक भाई थे, है ना, पापा पाहिज हैं उनके, मम्मी कमाती नहीं है, छोटा भाई पढ़ता है ना, वो अंदर गई हैं अभी मिलने के लिए। मिलने गई हैं अंदर, तो अंदर से कोई जवाब आया है आपके? अभी नहीं आया है कोई जवाब, नहीं आया? नहीं यार, ये बस एसी में बैठ के हवा खा रहे हैं जी, वो तो इसलिए ऐसे ही खाते हैं मजदूरों की लाशों पर। राजनीति हो रही है? राजनीति करते हैं ये लोग, करते हैं। बड़े दबे हुए सवालों के जवाब जो है बड़े छोटे ही दे रही हैं आप। ये सामने आप पोस्टर देख सकते हैं, मुंडका की घटना के दोषी मालिकों को सख्त सजा हो। मालिकों को जो है, मालिक जो है वो सामने भी नहीं आए हैं, कहाँ हैं, सरकार की तरफ से किसी ने भी सवाल भी नहीं किया है। अभी और भी लोग हैं। क्या नाम है मैम? अदिति नाम है मेरा। अदिति जी, क्यों आई हैं यहाँ पर? जो मुंडका में अग्निकांड हुआ है उसके लिए हम लोग अभी आए हैं। क्या करती हैं? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो उन मजदूर लोगों की आवाज़ें उठाने आई? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आए हैं क्योंकि देखिए, एक दिल्ली में ये कोई पहली घटना नहीं है और आखिरी घटना भी नहीं है। हम लोग इस कड़ी में देख सकते हैं, बवाना की पटाखा फैक्ट्री में आग लगती है, उसके बाद उद्योग नगर में होता है, पीरागढ़ी में होता है, हाल में नरेला में होता है ना, मजदूरों की मौत हो जाती है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम लोग अंदर मिलने के लिए, अंदर कोई रिप्रेजेंटेटिव मिलने के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी तैयार नहीं है अंदर में, अंदर तैयार नहीं है कि कोई ऑफिस टाइमिंग पे ये लोग ऑफिस में नहीं बैठे हैं, घर पे जा करके मिले, जैसे एक जवाबदेही बनती है, भगाया जा रहा है, मतलब जवाबदेही, खैर भगाया नहीं जा रहा, हम लोगों ने दबाव बनाया, फिर हम लोगों ने मिले, अभी ओएसडी से हम लोगों ने मिलने के लिए बोला है, तो हम लोगों के दो लोग भी मिलने के लिए गए अंदर। तो अभी ऐसा कुछ बोला है कि हाँ भाई मुआवजा मिल जाएगा या फिर? देखिए, अभी मुआवजा ट्विटर पे मिल रहा है, फेसबुक पे मिल रहा है, पर असल में जिन लोगों तक मिलना चाहिए, जिन लोगों को मिलना चाहिए, जिन हाथों तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं जा रही हैं। दूसरी चीज़, जो मुआवजे की रकम अभी तय की गई है 10 लाख रुपये, वो बहुत ही कम है, एक इंसान की ज़िंदगी को तोल दिया गया है। तो हम लोगों की एक तो मांग यही है कि आपको नहीं लगता कि उस मजदूर की कीमत की जान की कीमत जो है 10 लाख में तय की जा रही है?
वो तो है ही बिल्कुल, जो आज सारी फैक्ट्रियों में तय की जा रही है चीज़ें, है ना, जो मज़दूर वहाँ पे काम करते थे 5-5, 7-7 हज़ार रुपये में, और एक एग्ज़िट, एक एंट्रेंस, एक सिर्फ गेट है वहाँ पे, सोचिए आप, कोई सुरक्षा के लिए कोई उपकरण नहीं है वहाँ पे, आग लग जाती है उसके लिए वहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं है ना, तो एक सीधी सी बात है, तो प्रोपेगेंडा है ना, पूरा का पूरा जो साजिश से की जा रही है ना, इसमें कौन शामिल है, इसमें पूरा सरकार से लेकर के, केजरीवाल सरकार से लेकर के और इन्हीं कारखाना मालिक से लेकर के सब लोग शामिल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी कई नेता मंत्री ऐसे हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, है ना, इन लोगों के खुद की फैक्ट्री हैं, जहाँ पे एक भी श्रम कानून लागू नहीं था, वजीरपुर की फैक्ट्री में जाकर के देखी है, जहाँ पे पत्ती, लोहे की पत्तियाँ घुस जाती हैं लोगों में, मर जाते हैं लोग, ऐसे नाली में फेंक दिया जाता है, जैसे ये आम चीज़ें नहीं हैं, और ये जो आम घटना ये लोग कर रहे हैं, अभी सरकार जो कर रही है ना चीज़ें, और क्यों कर रही है इस पर भी सवाल है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक इनको चंदा देते हैं, इनको फंड देते हैं इलेक्शन के टाइम में, तो उन्हीं के लिए नीतियाँ बन रही हैं, मिली जुली साठगांठ, बिल्कुल बिल्कुल मिली जुली साठगांठ है, इन्हीं चीज़ों के खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, और एक चीज़ नहीं है, वो पूरा एक जो वही मैंने बताया, पूरा बवाना से लेकर के पीरागढ़ी में जो हुआ, उद्योग नगर में हुआ, उसके बाद नरेला के इंडस्ट्रियल एरिया में जो होता है, ये लगातार एक चेन चल रही है, ये चीज़ें ना हो, और देखिए सरकार के हाथ में है कि श्रम कानून लागू हो सकते हैं, चार लेबर कोड जो लेकर के आई है उसमें यही है ना कि जितने भी लेबर लॉज है उनको ख़त्म कर दिया जाए, तो हम लोग इसी चीज़ के लिए कि लेबर कानून ख़त्म ना हो, भले वो कागज़ पे हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उनको लागू किया जाए, बस जुबान चला देते हैं मगर लागू नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यही लाभ नहीं मिल पाता है, जो असल में चीज़ें पहुँचनी चाहिए मजदूरों तक, और देखिए एक मतलब सरकारों से लेकर के जितनी भी सरकारें हैं आज, केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक नीतियाँ बन जाती है, पर असल में जो ग्राउंड रियलिटी है वो एकदम उससे अलग है, वहाँ लागू नहीं होती है, तो कहने से नहीं होता, घड़ियाल आंसू बहाने से या अपना रोना रो देने से चीज़ें नहीं होती, असल में जो चीज़ें होनी चाहिए वो लागू हों। अभी देखा आपने किस तरीके से जो मजदूर लोग थे उनके साथ जो हादसा हुआ, वो हादसा नहीं एक हत्या थी, जी हाँ, सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ये हत्याएं हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि मजदूर जो मेहनतकश है, जिस तरीके से वो मेहनत करता है, एक एक इमारत बनाता है, उसी मजदूर को आज जो है कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है इस देश में, हमारे देश में एक मजदूर की क्या कीमत है, उसकी जान की क्या कीमत है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को रोड़ों पर उतरना पड़ रहा है अपने हक अधिकार के लिए, और मुआवजे की मांग तो देखिए, मुआवजे की मांग के लिए भी जो है ऐलान किया जाता है लगातार, इस तरीके से कोई लिखित तौर पर नहीं दिया जाता है, कितना दोयम दर्जे का मजदूर हो चुका है और कितनी उसकी स्थिति दयनीय है, उस पर विचार करने वाली बात है। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, नई दिल्ली।